माघ मास महात्म्य अध्याय 8। ये सुनकर यमदूत कहने लगे कि तुमने बहुत ही सुंदर सी वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद यज्ञ तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप का पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांध काने कुबड़े लूले लंगड़े दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा रखने वाले को काया वाचा तथा मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने तथा जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव पांचों यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी है और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी भी स्वर्ग से वापस नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले लंगड़े वृद्ध अनाथ और गरीबों का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण है, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं, वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर स्वयं तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित आनंदित होता है और वे विमान में बैठकर के विष्णुलोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, ये सब बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा जी भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न सोना फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं होता जितना तुलसी की माला के दान का होता है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार दो या तीन बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति का पूजन करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर के आप से आप निकले हुए तीर्थ में पर्वत या वन में रखी हुई शिव जी की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता, प्रसंग शत्रुता अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीनों लोकों में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं, वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं, वे धन्य हैं। जो माता पिता देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं।
तो ये थी माघ मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा नमो नारायण।